बाय करो सोना, सोना बाय कर, इधर देखे इसका बाय कर। बाय कर दिया करो तुम भी। आप भी बाय करो। ए सन्नी दे चना बाय, वंशु बाय, रोना मत दोनों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ पे बच्चे चले गए और देखा आपने, मैं इनसे भी ज़ोर ज़बरदस्ती से बाय करा देती हूँ, नहीं करते, बोलती हूँ बाय करो बाय करो, तो फाइनली बाय कर दिया। मैं रियल आवाज़ रखी है। तो बच्चे स्कूल चले गए, ये भी चले गए, आज ये बच्चों को लेके गए हैं तो थोड़ा मेरा टाइम बच गया है, नहीं तो 8:30 बजे आ पाती हूँ और आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, 9 बजे से काम करती हूँ। आज मुझे जाना नहीं पड़ा तो फाइनली कमर में कस लिए चुन्नी और लग गई हूँ काम में। अभी ये क्या कहते हैं, एक ब्लॉग मैंने लाइव किया है, ये दूसरा स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ये मेथी दाना रखा हुआ था, मैं छोटी सी बाल्टी है उसको धो के रख दिया था, गीली थी जब मैंने नहीं डाली, पर अभी सूख गई है तो मैंने इसमें डाल दी। कितना अच्छा लग रहा है ना। इसमें क्ले लाए थे बच्चों के लिए, मैंने सोचा उसमें रेजर है पर उसमें क्ले, वो गीली वाली मिट्टी नहीं होती है, वो 50 रुपये के फालतू में 50 रुपये चले गए और बच्चों ने उसको वेस्ट और कर दिया। मैं वो रेजर की जैसे रखा हुआ था, इस वजह से ये मिस्टेक हुआ। तो चलिए उस बात को वहीं ख़त्म करते, अब आ गई तो आ गई। तो इस कुकर में चावल रखे हुए, चावल को इसमें निकाल दूंगी और सारे बर्तन धोने के लिए रख दूंगी। और आप देख सकते हैं आधे बर्तन मेरे धुले हुए, आधे मेरे रह गए, हाथ मैंने धो लिए थे तभी मैंने चावल को किए, उस डोंगे में आ नहीं रहे थे ना। इन चावलों को शिमला मिर्ची प्याज आज डाल के तड़का दे लूँगी और नमकीन ऊपर से लगा के नींबू निचोड़ के खाएँगे। अभी नहीं करूँगी गर्म गर्म, बाद में जब फ्री हो जाऊंगी, नहाना धोना सब हो जाएगा उसके बाद। जो सुबह सुबह आपको पता है सारा सामान वामान फैल जाता है, तो वही बस थोड़ा बहुत इधर से उधर जो सामान जगह है वहाँ पे ही रखना। तो ये सारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, एक या दो दिन छोड़ दो पर जब सुबह का टाइम होता है इधर का उधर हो जाता है, सारा मिक्स हो जाता है। और कल के परसों के ब्लॉग में हर किसी के मैं उसमें रिप्लाई नहीं कर पाती, वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आप एक ही टॉवल जो किचन का सब जगह लगा देते हो, किचन पे भी, नीचे साफ़ करने पे भी और उसमें गैस पे भी। तो ये एक टॉवल नहीं, ये बहुत सारे 6-7 है, रोटियों के भी हैं जो ख़राब हो जाते हैं, उन्हें मैं किचन के काम में ले लेती हूँ। तो ये एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैंने आपको दिखाए भी, अभी आपने देखा तो किचन साफ़ हो गई है। पता है जब मेन चीज़ होती किचन साफ़ हो जाए ना, तो हमारा आधा घर साफ़ हो जाता है। तो ये लोग चले गए तो बहुत जल्दी काम होता है, ये लोग रहते हैं ना तो काम सारा धीमे धीमे होता है। देखो किचन क्लीन हो गया, गैस को मैंने साफ़ कर दिया। पता है हर पता है बोले जा रही हूँ मैं, आदमी ना बाहर पैसे कमाता है, औरत के हाथ में होता है घर संभालना हर चीज़ में, चाहे देखो बजट हो चाहे घर गृहस्थी हो, औरत के बिना नहीं होता। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, हम सभी लेडीजों की कर रही हूँ। कैसे भी देखिए, ज़्यादा खर्चा चला लो उसी में कम खर्चा चला लो, ये लेडीज़ में हाथ में होता है। अभी देखो मैं ना, मतलब मुझे क्या किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो ना काम चल गया, फिर मैंने वो नहीं ली। अब वो तो पैसे दे के गए थे कि प्रीति तू ले लेना, पर मैंने जब वो चीज़ का काम चल गया तो फिर मैंने बोला अब रहने दो, फिर कभी लूँगी, मतलब हो गया था तो फिर क्यों वेस्ट करना। तो ये होता है, अब मैं उनको और चीज़ में भी खर्च कर सकती थी पर मैंने नहीं किया। तो वो बात कहावत सही है, औरत के हाथ में घर बिगाड़ना भी होता है बनाना भी होता है। तो पर्दे उठा दिए और कुर्सी पे देखे आपने कितने सारे कपड़े, औरत के बिना ना घर घर नहीं होता, ये हर एक औरत की है अच्छे से सजाना धजाना सब करना। और वैसे तो आजकल आदमी भी बहुत सारे अच्छे से घर रखते हैं, पर तब भी मतलब लेडीज जैसे रखती वैसे आदमी नहीं रख सकते हैं, हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों ने नोटिस किया है, नहीं हो पाता है।
देखिए बजट कर बजट हर चीज़ को खर्चा निकालना, फिर थोड़ा बचाना, कहाँ कैसे क्या खर्च करना है, सब हमें ही देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी टॉवल, वो छोटा सा का वो जो अभी इतनी सारी टॉवल थी उसमें से एक लेके मैंने अपने कूलर को साफ़ कर लिया है। कपड़े रखे हैं उनको तय करना है, और पानी वाले भैया आए थे, पानी लिया था, ये पानी की बोतल उठा के मुझे इधर रखनी है, भारी है, वो भारी रखे चल जाते हैं, मुझे ही उसको अंदर लेना होता क्योंकि अंदर नहीं बुलाती, बाहर से ही बाहर ले लेती हूँ। यहाँ पे टीवी का ये जो कवर है ये गंदा हो गया था, तो मैंने बोला इस लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दूँ, ध्यान आता है वो सभी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, तो फिर ये गंदा दिख रहा था तो मैंने इसको ले लिया और धुला हुआ है वो कर ले रही हूँ मैं। और इसकी बेड सीट है बेड की, ये भी चेंज कर दूँगी। सारा कुछ सही रहता है, बच्चे सारा कुछ 12-1 बजे तक घर सेट रहेगा, और जब 12-1:30 बज गया बच्चे आए, इधर टाई, इधर बेल्ट, इधर ये, और मैं भी फिर नहीं करती, मैं भी छोड़ देती हूँ, फिर शाम को ही करती हूँ। ये नीचे वाला कपड़ा साफ़ है और ये वाला गंदा है, इसको मैं बिछा देती हूँ। और अभी तो इसका ही इससे ही काम चल रहा है, टीवी ट्रॉली टूटी हुई है, ज़्यादातर अभी हमारा सामान टूटा ही हुआ आपको दिखेगा, बेड भी टूटा ही है, उसका नीचे का जो सराहना होता है वो निकल गया है। तो बस बेड शीट वगैरह गंदे कपड़े ले जाके ऊपर कफ सरफ में भिगो के धो दूँगी, और मैं नहा लूँगी सारा, और मैंने घर धो दिया था क्योंकि धो दो ना तो पोछा लगाते वो ठीक है, पर 4-5 दिन में मैं घर को धो भी देती हूँ। तो देखिए सारा काम हो गया, मशीन निकाली है मैंने, मशीन मुझे कुछ सिलाई करनी है तो इस वजह से मैंने वहीं पर छोड़ दी, फिर हटाया नहीं है। नहा के चोटी वोटी बना के ये वाला आज मैंने नया कुर्ता पहना है, लेगी भी नहीं है, कुर्ता भी नया, कैसा लग रहा है कुर्ता, डोरी वाला ही है, साइड से डोरी करके इसकी बाजू छोटी हो जाएंगी, दिखाऊंगी किसी दिन वीडियो में, अभी तो ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पे बस नहा धो के बैठी थी, मैंने बोला प्याज या छील लेती हूँ, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा, चावल छोंक लेना, सब्जी रखी है, रोटी बनानी है मुझे, तो बस ये फटाक से करके ये सब रेडी रहता है ना, तो खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। और सुबह तो मैंने बच्चों को क्या कहते हैं प्याज के परांठे दे दिए थे, सॉस दे दिया था, उससे हो गया था, बस मैं ही रह गई हूँ। अच्छा फाइनली आज हमारी गली में टैंकर आया है, तो बाल धोने के लिए कप और वो करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी भर लिया, ज़्यादा नहीं, आप लोगों के सामने जो भी भरा है वो आप सबके सामने भरा है। यहाँ पर ये देखिए ये बाल्टी ले ली है मैंने, और बस जल्दी जल्दी था, ये सब लोग बोल रहे थे पानी भर लो पानी भर लो, तो यहाँ पे मैंने पाइप ले जाया, सब ने भरा, मैंने ही नहीं भरा, सब ने भरा है। तो बस ये पानी भरने के बाद हमने ये यहीं पे रख दिया, छत पे नहीं ले गए, सीढ़ियों से हाल फिसल जाए कुछ हो जाए तो फिर हमने ये पानी ना यहीं पे रख दिया। फिर ये आ गए थे, इन्होंने मेरी मदद करा दी थी क्योंकि अकेले से तो होना नहीं, देखो आप देख सकते सब ने अपने अपने घर घर पाइप ले लिए हैं, सब भर रहे हैं पानी अपना अपना, तो बस मैंने भी भर लिया था, मैंने बोला भर लेते हैं उसके बाद में करते हैं, और बस बालों के लिए और कपड़े भिगोने के लिए ही चाहिए होता है क्योंकि झाग नहीं होता, पानी बहुत ज़्यादा खा रहा है तो इस वजह से। तो बस ये 2-3 बाल्टी भरी थी और ज़्यादा कुछ भी नहीं भरा, पाइप बहुत था, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। छत पे आ गए हैं हम लोग, छत जब से नीचे वो गणेश जी महाराज बिठाए थे तब से छत ऐसी हो रखी थी क्योंकि ये सारी डंडियाँ ये रस्सियाँ वगैरह ली थी उसको पांडा उसको टेंट को बांधने के लिए, फिर मैंने सेट ही नहीं की, तो फिर बस आज मैंने सारी छत को साफ़ कर दिया। ज़्यादा जितना टाइम मिलता है उतना घर को ये भी कर लो वो भी कर लो होता ही है, आज धोया नहीं है, कल इसको छत को धो दूँगी। और सोना आ गई है काम कराने के लिए, वंशिका भी आ गई है काम कराने के लिए, वीडियो को बीच में छोड़ना पड़ा, पीछे वाली आंटी आ गई थी, पीछे वाली आंटी के ना वो गणेश जी वो गणेश विसर्जन है क्योंकि उन वो ना 10 दिन तक उन्होंने बिठाया था, तो कल मैं आरती में भी गई थी, थोड़ा सा ना लेट होता है उनके आरती तो फिर नहीं हो पाता है, तो अब उनके आज मतलब ये अभी इस फ्राइडे को मैं एडिट कर रही हूँ तो आज उनका स्थापना है, कल उनके हवन है, कल उनके भंडारा है, आज वो मतलब गणेश जी महाराज को विसर्जन कर देंगी, तो बुलाने आई थी, आप लोगों ने आवाज़ भी सुनी, प्रीति बोला। तो यहाँ पे नीचे आ गई हूँ, खाना पीना शाम की तैयारी करने लगी हूँ, गोभी आलू बना रही हूँ, यही जल्दी से बन पाया, मैंने बोला ना आरती में जाके मैं गई थी क्योंकि सबके बच्चे चल जाते हैं, मेरे बच्चे ट्यूशन है वो लेट जाते हैं तो फिर इस वजह से मुझे जाना पड़ा, और देखिए इन चीज़ों के लिए तो टाइम निकालना होता है।
टाइम किसी के पास नहीं होता, हर चीज़ का टाइम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गोभी आलू की सब्ज़ी को तड़का दे रही हूँ। मिक्सी में मैंने मसाला पीस लिया था, हरी मिर्ची, वो लहसुन प्याज, थोड़ा सा अदरक और सूखी वो थोड़ी सी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची काट के डाल दी है। दो टमाटर ले लिए, इनको अच्छे से पकने के बाद गोभी को मसाले में थोड़ी देर पकने दूँगी। तरी वाली गोभी बना रही हूँ, बस मन आ जाता है, गांव में ज़्यादातर तरी वाली गोभी बनती है ना, आप लोग ध्यान करिएगा, तो बस वैसे ही मैं बना रही हूँ। गोभी डाल दिए, 10-5 मिनट इसको मसाले में पकने दूँगी, मतलब आधी बन जाएगी, उसके बाद इसमें पानी डालूँगी। और अभी की गोभी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि आपको पता है जब बहुत सारी आने लगेगी सर्दियों में, फिर इतनी अच्छी नहीं बनेगी, अभी ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस खाते रहो इनको, तो इनको बच्चों को बहुत अच्छी लग रही थी तो ये लोग खाते ही रहे। मैं मेरी तो ग्वार की फली रखी हुई थी, मैं मुझे ग्वार की फली क्या है कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसको ढक देते हैं, थोड़ी देर बाद इसमें पानी देंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे। और अभी मैंने गरम मसाला लिया था, मसाले वाले भैया आए थे तो उनसे, और मसाला डाल के सब्ज़ी में महक बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। और यहाँ पर मैंने देखी ये फ़ोटो कहाँ पर लगाया, तो हमारी ये सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। बच्चों को इसमें फटाफट से खाना दे देती हूँ। थोड़े से धनिये के पत्ते की कमी थी, थोड़े धनिये के पत्ते मिल जाते ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो आइए और खाना खा लीजिए। और बहुत हमें तो बहुत अच्छी लगती है वैसे भी, अभी के सीज़न की सभी चीज़ें अभी अच्छी लगें, क्योंकि महंगी महंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं और मीठी भी नहीं होती, तो इस वजह से सबको खाना दे दिया, उसके बाद मैंने भी खा लिया। सारा काम ख़त्म हो गया, ब्लॉग को यहीं तक यहीं पर एंड करते और अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं सो गई थी काम करके, नींद आ गई थी एकदम से, तो बस ये तो आंखों से पता चल रहा होगा, नींद रात को नींद आती नहीं गर्मी मच्छर की वजह से, और अभी इतनी गर्मी हो रखी है, सुबह सुबह ठंडा रहता है तो स्कूल का टाइम हो जाता है तो जल्दी उठ जाते हैं, और स्कूल का टाइम हो तब कितनी नींद आती है पर टाइम हो जाता है। तो चलिए ऐसे ही रहता है। और कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया था, मैंने उन कमेंटों को नेगेटिविटी में नहीं लिया था, बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था। आप लोगों ने मेरा ख्याल रखते हुए, मेरी फ़िक्र रखते हुए आप लोगों ने वो कमेंट बोल लिखे थे, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। और बुरा कमेंट करता तब भी बुरा नहीं लगता है। तो आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी नहीं, मैंने ये बोला था कि जैसी हूँ वैसे ही आप लोग मुझे अपना लिए और अपना रहे हो, और बस हाँ, और अपने लिए भी मैं टाइम निकालूँगी, कोशिश करूँगी। तो चलिए बस थोड़ा सा देख लिया करें तब कमेंट किया करें, क्योंकि आप लोग फिर थोड़े से नाराज़ दिखते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। परिवार में कोई गुस्सा हो ना फिर वो अच्छा नहीं लगता। आप मेरी एक फैमिली बन गए हो, मेरे घर के एक अहम हिस्सा बन गए हो, तो बहुत बार ये चीज़ें बोली है। तो चलिए, तो थोड़ा सा आप लोग, आप मेरी आदत जान गए तो आप लोग पता है ना प्रीति ऐसा नहीं बोल सकती हैं, तो बस विश्वास रखिए और आपके विश्वास पे मैं हमेशा खड़ी उतरी हूँ और ना कभी बदली और ना बदलूँगी। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और आप लोग कैसे हो ज़रूर बताइएगा। चलिए यहीं पे और थोड़ा सा सो लूँ, मैं नींद आ रही है, आँखों में बड़ा दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए बाय।